And there will be National Population Register also, which will be, which was started by UPA government in 2010. NPR, NRC ki taraf pehla khadam hai. So the latest annual report of the BJP government clearly says that the NPR is the first step towards the creation of NRC. NPR ke liye jo abhi prakriya chalegi, iska upyog kabhi bhi NRC ke liye nahi ho sakta, do kanun bhi alag. Even as a mega controversy rages over the Citizenship Amendment Act and a National Register of Citizens, the government has announced the updation of the National Population Register, or NPR. National Population Register, ye pehli 2010 mein UPA sarkar mein shuru hua aur sare logon ka ek register bana aur uske card Manmohan ji ne vitarit kiye the. तो 2015 में इसका अपडेशन हुआ और अभी इसका पूरा एक बार ने, क्योंकि हर 10 साल के बाद ये करना है, तो 2020 में तो इसमें कोई भी प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, कोई भी कागज देने की जरूरत नहीं है. आपके सवालों को पहले ही मैं जवाब देता हूँ. इसमें ना प्रूफ है, ना कागज है, ना बायोमेट्रिक है. जो आप कहोगे वही सही है. The announcement stoked a fresh fire, with many in the opposition calling NPR a stepping stone to an NRC, a list of verified Indian citizens. So what exactly is NPR? And is it different from an NRC? The NPR is a list of all residents of a country, not just citizens. It enumerates all those people who have resided in an area for at least 6 months and those who plan to stay in a place for another 6 months or more. It contains various kinds of information about the residents, like biometric and demographic details. To create an NPR, a census officer visits homes and asks a few questions. The usual ones include names of parents, spouses and children, and nationality. Occupational and educational information is also sought. This time, the government also plans to use a mobile app to make the process easier, and no documents will be required. The entire exercise is slated to be held between April and September 2020, and enrollment is mandatory. The government says that NPR helps in better planning and implementation of schemes. इससे क्या होगा? तीन फायदे होंगे. इसका फायदा ये होगा कि targeted benefits जो होते हैं, समझो आयुष्मान है, उज्ज्वला है, आवास है, सौभाग्य है, ऐसे सभी स्कीम के लिए सही पहचान होना, क्योंकि जनसंख्या में भी, जनगणना में भी और पॉपुलेशन रजिस्ट्री में आवश्यक सारे डिटेल्स आते हैं और सेल्फ डिक्लेरेशन है, और इसके कारण वो सभी और सही बेनिफिशियरीज, सभी और सही लाभार्थियों तक ये बेनिफिट्स पहुँचे. ये इसका मुख्य उद्देश्य है. The government has claimed that there is no link between NPR and NRC, but the opposition disagrees. NPR जो है वो जनसंख्या का रजिस्टर है, जो पॉपुलेशन रजिस्टर है. देश में जो भी रहते हैं उनके नाम रजिस्टर्ड किए जाते हैं, जिसके आधार पर देश की अलग अलग योजनाओं का आकार बनता है. और NRC है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स. इसमें से हर व्यक्ति से प्रूफ मांगे जाते हैं कि आप बताइए कि भाई आप किस आधार पर इस देश के नागरिक हो. ये दोनों प्रक्रिया का कोई लेन देन नहीं है, ना दोनों प्रक्रिया का एक दूसरे के सर्वे में उपयोग हो सकता है. एनपीआर के लिए जो अभी प्रक्रिया चलेगी, इसका उपयोग कभी भी एनआरसी के लिए नहीं हो सकता, दो कानून भी अलग है. एनपीआर का कोई भी डेटा एनआरसी के उपयोग में आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये अलग प्रक्रिया है. और उसमें नागरिक से अपने नागरिक होने के लिए कुछ दस्तावेज मांगे जाते हैं और कुछ प्रक्रिया जो आसाम में हुई है अभी. इसके अंदर देश के अंदर रहने वाला हर कोई व्यक्ति अपनी स्वतः की इच्छा से एक ऐप के अंदर भरकर भेजेगा, कोई सपोर्ट डॉक्यूमेंट नहीं मांगेगा. आप जो एनपीआर कर रहे हैं वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत कर रहे हैं, तो इसका ताल्लुक नहीं है क्या एनआरसी से? क्यों मिसलीड कर रहे हैं होम मिनिस्टर पूरे देश को? और उनको याद दिला रहा हूं कि पार्लियामेंट में मेरा नाम लेकर उन्होंने कहा कि ओईसीजी पूरे देश में एनआरसी आएगा.
कि आप मानेंगे अपनी गलती को, आप देश को मिसलीड कर रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं, ये जेब नहीं देता आपको, आप इस देश के वजीर दाखला हैं, होम मिनिस्टर हैं, आपको सच बोलना चाहिए। मैं आपको ये 5 फैक्ट्स बता रहा हूँ, आप ही के एनुअल रिपोर्ट, आप ही की वेबसाइट, आप ही के मिनिस्टर का रिप्लाई पार्लियामेंट में, क्यों देश को गुमराह कर रहे हैं आप? NPR NRC की तरफ पहला कदम है, और NPR जब होगा अप्रैल 2020 में, उसमें डॉक्यूमेंट्स पूछे जाए, उस ऑफिसर को ये अख्तियार है कि वो डाउटफुल लिखेगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स पूछेगा, डॉक्यूमेंट्स के बाद अगर वो मुतमईन हो गया ठीक है, वरना डाउटफुल रखेगा, और अगर मुतमईन हो जाता है तो लिस्ट को लगाता है, लोकल रजिस्टर बोलते हैं, और आवाम से, जनता से पूछा जाता है कि भाई किसी को ऑब्जेक्शन है ओवैसी के नाम पर या प्रमोद के नाम पर, अगर किसी को ऑब्जेक्शन होगा तो फिर वो उस पर इंक्वायरी होगी। But already the NPR exercise has hit a massive roadblock. At least 2 chief ministers have halted work related to NPR or announced that they won't implement it in their state. These are West Bengal and Kerala. Given how non-BJP rule states are starting to halt the process of enumerating residents, the NPR exercise will hit roadblocks. As per the rules, state governments notify local, sub-district and district registrar as well as the appellate authorities. Municipal and rural local body officials also help. While independent agencies can collect census data, it is the state administration which verifies it. In this brewing acrimony, the Union Home Minister issued an appeal to the dissenting CMs. वेस्ट बंगाल और केरला ने तो मना कर दिया कि इसके कोई भी प्रक्रिया नहीं। मैं आज भी आपके कार्यक्रम के माध्यम से दोनों मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूं कि मेरा विनम्र निवेदन है कि इस प्रकार का कदम न उठाएं, वो इस पर पुनः विचार करें। ये बंगाल की और केरला की गरीब जनता के कल्याण के लिए बनाए जाने वाले कार्यक्रमों का बेस है, आधार है। कृपया आप पॉलिटिक्स के लिए ये गरीब जनता को डेवलपमेंटल प्रोग्राम के बाहर मत रखिए, इनको जोड़ दीजिए। और मैं फिर से एक बार स्पष्ट करना चाहता हूँ स्मिता जी कि इससे नेशनल NRC का कोई लेन देन नहीं है, कोरी अफवाह फैलाई जा रही है। The process for creation of an NPR was first spelled out in 2003. That was when the center issued the registration of citizens and issue of national identity cards rules. Data for the NPR was first collected in 2010 under the UPA administration. This was updated in 2015 with door-to-door surveys and digitization of data of 1.17 billion people, or 97% of India's population then. Biometric details of 40% of these people had also been linked with the NPR. It now remains to be seen how the government diffuses the situation to carry out the 2020 NPR smoothly and across the country.